आज के इस सेशन में हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का एक टॉपिक यूनिट वन का ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, जो भी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो इस वीडियो को अच्छे से देखें। ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? सबसे पहले कह रहा है द वे इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज नोन एज ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, यानी एक ऐसा वे, एक ऐसा तरीका जिसमें क्या होगा, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसमिट होगा, तो ये जो तरीका होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन मोड। दो डिवाइसेस है, दो डिवाइसेस के बीच में क्या होगा, डेटा ट्रांसमिट होगा, तो वो ट्रांसमिशन मोड कहलाएगा। अब कह रहा है ट्रांसमिशन मोड इज ऑल्सो नोन एज द कम्युनिकेशन मोड। ट्रांसमिशन मोड का ही दूसरा नाम क्या है, कम्युनिकेशन मोड। इच कम्युनिकेशन चैनल हैज डायरेक्शंस एसोसिएटेड विद इट एंड ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड द डायरेक्शंस। कह रहा है प्रत्येक कम्युनिकेशन चैनल, चैनल क्या होता है, जिससे होकर के डेटा ट्रेवल करता है, पाथ, जैसे रास्ता होता है ना, जिससे होकर के हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो चैनल क्या एक तरह का माध्यम। इच कम्युनिकेशन चैनल हैज ए डायरेक्शन, सारा का अपना एक डायरेक्शन जुड़ा हुआ होता है, किस डायरेक्शन में जाना है इसके साथ, हर एक ट्रांसमिशन मोड के साथ। एंड ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड द डायरेक्शन, जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया बहुत सारा होता है, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, उसी में आपका कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, माइक्रोवेव, ये सारा चीज आता है। तो यहाँ पर कह रहा है द ट्रांसमिशन मोड इज ऑल्सो नॉन एज ए डायरेक्शनल मोड, यानी एक ट्रांसमिशन मोड का मतलब क्या है, एक डायरेक्शनल, यानी डेटा का डायरेक्शन किस तरह से होगा, एक डेटा अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका डायरेक्शन को भी बताएगा कौन, ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, तो यहाँ पर तीन पॉइंट था। पहला पॉइंट था जो कैसा वे जिससे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसमिट होगा, उसी वे को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड का ही दूसरा नाम कम्युनिकेशन मोड है, और हर एक चैनल का क्या होता है, उसके साथ एक डायरेक्शन जुड़ा होता है। ठीक है, और ट्रांसमिशन मीडिया ये डायरेक्शन को प्रोवाइड कराता है, इसीलिए ट्रांसमिशन मोड को हम लोग डायरेक्शन मोड भी बोलते हैं। द ट्रांसमिशन मोड इज डिफाइंड इन द फिजिकल लेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसमिशन मोड जो होता है वो आपका फिजिकल लेयर में वर्क करता है, क्या होता है, फिजिकल लेयर में वर्क करता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, अब है ट्रांसमिशन मोड कितने प्रकार के होते हैं। द ट्रांसमिशन मोड इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सिंप्लेक्स मोड, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मोड, तीसरा है फुल डुप्लेक्स मोड। अब देखते हैं बारी बारी से हम सभी को। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, ये देखिए ये फिगर है सिंप्लेक्स मोड, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, दोनों डिवाइसेस के बीच में डेटा जो है एक डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो सिंप्लेक्स मोड का पहले थ्योरी देखते हैं, फिर प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। कह रहा है इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, दैट मींस डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन। सिंप्लेक्स मोड जो होता है ट्रांसमिशन मोड का एक टाइप्स, वहां पर क्या होता है, डेटा का फ्लो जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही दिशा में डेटा जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं वन डायरेक्शन में डेटा का फ्लो होगा। ठीक है, ए डिवाइस कैन ओनली सेंड द डेटा बट कैन नॉट रिसीव इट, और इट कैन रिसीव द डेटा बट कैन नॉट सेंड द डेटा। कह रहा है जो यहाँ पर जो डिवाइस होगा, जो डिवाइस होगा वो क्या करेगा, एक समय में अगर सेंड कर रहा है तो वो सेंड ही करेगा, ठीक है, रिसीव नहीं करेगा, क्या होगा, रिसीव नहीं करेगा, और एक समय पे कोई रिसीव कर रहा है तो वो रिसीव ही करेगा, सेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ध्यान से इसका एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं बताऊंगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है द ट्रांसमिशन मोड इज नॉट वेरी पॉपुलर एज मेनली कम्युनिकेशन रिक्वायर्स द टू वे एक्सचेंज ऑफ डेटा। द ट्रांसमिशन मोड इज नॉट वेरी पॉपुलर एज मेनली कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड द टू वे एक्सचेंज ऑफ डेटा।
ये जो ट्रांसमिशन मोड है कौन सा, सिंप्लेक्स। ये ज्यादा पॉपुलर नहीं, क्या ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों तरफ से डेटा एक्सचेंज नहीं होता, इसीलिए ये ज्यादा पॉपुलर कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं। द सिंप्लेक्स मोड इज यूज्ड इन द बिजनेस फील्ड एज इन सेल्स दैट डू नॉट रिक्वायर्स एनी कॉरेस्पॉन्डिंग रिप्लाई। सिंप्लेक्स मोड जो है एक तरह से बिजनेस फील्ड की तरह हो सकता है, यानी वो जो है बिजनेस की तरह काम करेगा, एक ही तरफ से सेंडिंग होगा और दूसरे एंड से रिसीविंग होगा। एक समय में जो सेंड करेगा वो रिसीव नहीं कर पाएगा, जो रिसीव करेगा वो सेंड नहीं कर पाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखें। अब जैसे एग्जाम्पल्स है बहुत सारा, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंप्लेक्स मोड। कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का कीबोर्ड, आप लोगों ने देखा हो, और मॉनिटर, ये जो है एग्जाम्पल है, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, डेटा का फ्लो जो होता है वो सिंप्लेक्स होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, डेटा इंटर करते हैं। जैसे ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा देते हैं। एज ए कीबोर्ड कैन ओनली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर एंड मॉनिटर कैन ओनली बी यूज टू डिस्प्ले द डेटा ऑन द स्क्रीन। तो यूजर क्या करता है, कीबोर्ड से डेटा इंटर करते रहता है, इंटर करते रहता है, और मॉनिटर क्या करता है, उसको दिखाते रहता है। यानी कीबोर्ड क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, सेंड करते जा रहा है, सेंड करते जा रहा है, और मॉनिटर क्या कर रहा है, उसको रिसीव करते जा रहा है। मॉनिटर नहीं सेंड करता, क्या हुआ, डेटा का फ्लो जो है कीबोर्ड से माउस मॉनिटर की ओर जा रहा है, यानी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल, तो वो कहलाता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ठीक है, सिंप्लेक्स मोड। अब एडवांटेज क्या है सिंप्लेक्स का, इन सिंप्लेक्स मोड द स्टेशन कैन यूटिलाइज द इंटायर बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल सो दैट मोर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट ए टाइम। करा सिंप्लेक्स मोड में जो होता है चैनल का बैंडविड्थ जो होता है वो यूटिलाइज करता है, जिससे कि डेटा एक साथ बहुत सारा डेटा हम लोग सेंड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक दिशा में होता है, इसीलिए ये जो है कम्युनिकेशन सो इट हैज नो इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, एक ही तरफ से होता है, तो यहाँ पर चाहिए दोनों तरफ से होना चाहिए, इंटरनली कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, एक ही फ्लो में होता है, तो ये एक बड़ा यूनिडायरेक्शनल जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा ट्रांसमिशन है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, ट्रांसमिशन इन अदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियस। ट्रांसमिशन क्या हुआ, किसी भी डायरेक्शन में हुआ, ठीक है, लेकिन एक साथ नहीं, वही चीज यहाँ पर कह रहा है। इन ए हाफ डुप्लेक्स चैनल डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड, दैट मींस द स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा एज वेल एज। यानी अगर डायरेक्शन रिवर्स है तो क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, डेटा आ रहा और जा रहा है, मैसेज फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन बट नॉट एट सेम टाइम। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, मैसेज का फ्लो जो होता है वो दोनों दिशा में होता है, जबकि सिंप्लेक्स में क्या होता था, वन डायरेक्शन होता था, यूनिडायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन एक ही समय में नहीं हो पाता, सेम टाइम पे दोनों तरफ नहीं हो पाता। ये सेंड कर रहा तो ये रिसीव कर रहा, ये सेंड कर रहा है तो ये रिसीव कर रहा, ठीक है, दोनों तरफ से जा रहा है बट एक टाइम पे। एग्जाम्पल, द इंटायर बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल इज यूटिलाइज्ड इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। एक समय पे पूरा बैंडविड्थ जो है एक ही डायरेक्शन पे फोकस करता है, उसी को यूज करता है। इन हाफ डुप्लेक्स मोड इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म द एरर डिटेक्शन एंड इफ एनी एरर अकर्स देन द रिसीवर रिक्वेस्ट द सेंडर टू रिट्रांसमिट द डेटा। अब देखो हाफ डुप्लेक्स करते समय, हाफ डुप्लेक्स मोड के समय अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और किसी भी तरह का एरर आ गया, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में डेटा नहीं गया, तो वहां पर क्या हो सकता है, रिसीवर जो है दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकता है जो फिर से मुझे डेटा सेंड किया, रिट्रांसमिट किया। सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। वॉकी टॉकी क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड का एक एग्जांपल। वॉकी टॉकी में क्या होता है, वन पार्टी, आप लोग बॉर्डर फिल्म जो होता है सनी देओल का जो बॉर्डर फिल्म है वो देखिए, वहां पर पता चलेगा वॉकी टॉकी।
वॉकी टॉकी में क्या होता है, वन पार्टी स्पीक्स एंड अनदर पार्टी लिसंस। एक आदमी बोल रहा है इधर से, इस तरह से डेल्टा टू अल्फा, डेल्टा टू अल्फा, इधर जैसे बोला उधर से बोलेगा ओवर ओवर ओवर, इस तरह से फिर ओवर बोलेगा तो फिर उधर से फिर से बोलेगा। एक पार्टी जब बात करते रहता है, स्पीक कर रहा है, तो दूसरा पार्टी क्या करता है, सुनता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, ठीक है। आफ्टर ए पॉज इसमें क्या होता है, रुकता है, और द अदर स्पीक्स, दूसरा आदमी यानी आप बोल रहे हैं और फर्स्ट पार्टी जो है वो सुन रहा है, ठीक है। तो ये जो है क्या हुआ आपका, हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है। वॉकी टॉकी, सिटीजन, बैंड रेडियो, ये सभी जो है क्या है, इसका एग्जांपल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फुल डुप्लेक्स मोड पर है। इन फुल डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज बाय डायरेक्शन, ट्रांसमिशन इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियस, यहाँ पर सारा चीज हो रहा है दोनों। अब हाफ डुप्लेक्स का आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ये एक डायरेक्शन में जा रहा, इधर रिसीव हो रहा, फिर ये इधर से बोल रहा और ये रिसीव कर रहा है, तो डायरेक्शन दोनों साइड है बट एक समय में नहीं। और फुल डुप्लेक्स में देखिए, इधर से भी जा रहा है डेटा ट्रांसमिट हो रहा और इधर से भी ट्रांसमिट, दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल और एक ही समय। इन फुल डुप्लेक्स मोड The communication is bidirectional. That means the data flow in both the direction. Full duplex mode में communication क्या होता है? Bidirectional होता है, दोनों दिशा में होता है और दोनों direction में होता है। Both the station can send and receive the message simultaneously. यानी दोनों station, ये computer और ये computer, दोनों क्या है? एक तरह से station. दोनों station क्या कर सकता है? एक ही समय पे, एक साथ जो है सेंड भी कर सकता है रिसीव भी कर सकता है। जैसे मोबाइल पे बात करते हैं हम लोग तो क्या होता है, इधर से भी बोला जा रहा है, उधर से भी बोला जा रहा है, दोनों बीच में दोनों का आवाज आता जाता रहता है। फुल डुप्लेक्स मोड हैज टू सिंप्लेक्स चैनल्स, वन चैनल हैज ट्रैफिक मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड अनदर चैनल हैज ट्रैफिक फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें दो चैनल होता है फुल डुप्लेक्स में, एक जो होता है ट्रैफिक, ट्रैफिक जैसे समझते हैं जैसे रोड पे ट्रैफिक होता है उसी तरह से नेटवर्क पे ट्रैफिक होता है। तो डाटा ट्रांसमिशन के समय कुछ ट्रैफिक आ जाता है तो क्या करता है, पहला चैनल उस ट्रैफिक को मूव करता है एक डायरेक्शन में और दूसरा चैनल उस ट्रैफिक को फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन। द फुल डुप्लेक्स मोड इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट मेथड है वो जो है क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड, इसको ध्यान में रखें। The most of common example of full duplex mode is telephone network. ये सबसे important है, सबसे best example जो है इसका telephone network, क्या telephone network, जैसे call है आपका mobile phone, ये क्या है इसका example, तो ये है full duplex, walkie talkie half duplex का, keyboard से monitor का communication वो क्या है आपका simplex। और आप लोगों को और भी सोचना है कौन कौन हो सकता है। एडवांटेज ऑफ फुल डुप्लेक्स, जैसे रेलवे ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक पे क्या होता है बताना आप लोगों को। एडवांटेज ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड, बोथ द स्टेशन कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम, सबसे बड़ा एडवांटेज है, दोनों स्टेशन सेम समय पे एक ही समय पे है डाटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, भेज भी सकता है, प्राप्त भी कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, इफ देयर इज नो डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट बिटवीन द डिवाइसेस देन द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यानी एक डिवाइस और दूसरे डिवाइस के बीच में पाथ, रास्ता जो होगा डेडिकेटेड नहीं हुआ, मतलब उसका डिफाइंड वे पाथ नहीं हुआ, तो क्या होगा उसका कैपेसिटी जो होगा डिवाइस का जो कैपेसिटी होगा कम्युनिकेशन चैनल का वो डिवाइड कर दिया जाएगा दो अलग अलग पार्ट में और उसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा देखिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप डुप्लेक्स का एग्जांपल क्या होता है, फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल क्या होता है और सिंप्लेक्स का एग्जांपल क्या होता है, तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान में, ठीक है।